हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल फोरम। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा आर्ट एंड क्राफ्ट। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि पुरानी साड़ी में से बेबी शीट मतलब कि गद्दा कैसे बनाया जाए। जो हम छठी पूजा के लिए गद्दा बना रहे हैं वो हमारा वीडियो का पार्ट वन था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आई बटन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हो। तो आप फोटो में देख रहे हो कि कैसे ये गद्दा बनाया था हमने वाइट कलर का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हमारा जो ये वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे कि वही जो हमने गद्दा बनाया था उसको हम डेकोरेट कैसे करेंगे, पेंट कैसे करेंगे बेबी की छठी पूजा के लिए। मैं अपनी चैनल पे नेचर, गर्भ संस्कार और आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल लाइफ स्किल फोरम को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाना कभी मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वाइट कलर का हमने गद्दा बनाया है उस पर हमें पेंट करना है, तो आप उस पर कोई कपड़ा लगा दीजिए ताकि कलर दूसरी कोई जगह पर लगे ना। दूसरा कि ये फैब्रिक है मतलब कि कपड़ा है, तो कपड़े पे हम कलर करेंगे। एक्रिलिक कलर्स कर सकते हो आप या फिर फैब्रिक कलर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेविक्रिल के एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए हैं जो आपको फ़ोटो में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स भी मिलते हैं जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है, वो भी आप परचेज कर सकते हो या फिर दूसरी कोई कंपनी के एक्रिलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अलग अलग न्यूबॉर्न बेबी वाले सिंबल्स बनाए हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम छठी पूजा के लिए ये गद्दा बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप न्यूबॉर्न बेबी वाले सिंबल्स ही लेंगे, पर ये जो मैंने सिंबल्स लिए हैं उसके अलावा भी आप कोई भी सिंबल्स ले सकते हो। इट इज़ जस्ट एन आइडिया कि आप कैसे सिंबल्स ले सकते हो, छोटे बड़े, और किसी भी तरह से उसको लाइक पेंट कर सकते हो अलग अलग कलर्स से। आप चाहो तो मार्केट में भी ऐसा गद्दा अवेलेबल होता है जिस पे ऑलरेडी पेंट किया होता है और अलग अलग टाइप्स के मिलते भी है, पर घर पे बनाए उसकी खुशी कुछ अलग होती है। और घर पे हमको जैसा चाहे वैसे सिंबल्स ले सकते हैं। घर पे हम थिकनेस मतलब गद्दे की जो थिकनेस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, हमें जैसा थिकनेस चाहिए वैसे हम उसको रख सकते हैं, वो हमें एक एडवांटेज है घर पे बनाने का। बेबी की छठी पूजा के लिए हमने जो ये गद्दा बनाया है उसको आप टोटली हैंडमेड और हैंडक्राफ्टेड बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपने खुद से बनाया है, बहुत प्यार से बनाया है अपने बेबी के लिए। सो, ये आपको एडवांटेज है घर पे बनाने का कि आप जैसा चाहे वैसा ही बना सकते हो। ये जो वीडियो है हम उसमें छोटे बेबी के लिए गद्दा प्रिपेयर कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, डेकोर कर रहे हैं छठी पूजा के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पेंटिंग आता है तो आप ऐसे पेंट करके कोई प्रेग्नेंट लेडी है आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हो ऐसा बना के, तो वो भी अच्छा रहेगा। और अगर आप गर्भवती हो और ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप ऐसी क्रिएटिविटी करोगे तो वो आपके बेबी के लिए भी अच्छा रहेगा। क्रिएटिव माइंड उससे होता है। कलर्स अगर आप प्रेगनेंसी में देखते हैं तो उसकी इफ़ेक्ट कुछ अलग ही पड़ती है बेबी पे, तो बेबी के लिए भी आप ये थोड़ा सा अगर आपको पेंटिंग आता है तो आप ये खुद से बना सकते हो। आपको ये सफ़ेद कपड़े पे अगर डायरेक्टली कलर करना मतलब आता नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लीजिए आपको जो भी सिंबल्स बनाने हैं, फिर उस पर आप कलर कीजिए। और अगर अच्छे से आता है तो आप डायरेक्टली भी कलरिंग कर सकते हो। तो ये हमारा गद्दा पेंट होके रेडी हो गया है। देखिए ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एक एक सिंबल। आपको ये चीज़ एक्चुअली में बहुत ही बारीकाई से करनी पड़ेगी क्योंकि ये वाइट कपड़ा है तो कलर्स यहाँ से यहाँ ना हो जाए वो ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ये बहुत ही एक्यूरेसी से अगर आप करते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। आप छोटे सिंबल्स बड़े सिंबल्स ले सकते हो। सी अडोरेबल, वेरी ब्यूटीफुल, फैबुलस।
इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। दूसरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। धन्यवाद।